हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज फ्रॉम द स्टार्टिंग 6.5 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। जो ये फंक्शंस गिवन है, इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर है तो वो फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट इज, इसने ये नहीं बोला कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा फाइंड आउट करना है, सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बोली हुई है कि वो फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिंस हमें पता है जिसका भी स्क्वायर होता है, चाहे वो नेगेटिव का स्क्वायर हो चाहे वो पॉजिटिव का स्क्वायर हो, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो हमेशा पॉजिटिव होगा, इट मीन्स ग्रेटर देन 0 होगा। सिंस 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, आर रिप्रेजेंट द रियल नंबर, दिस इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स। यानी कोई भी x की वैल्यू जो रियल नंबर में से हम लेंगे तो यहाँ पुट करेंगे, इट बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन फंक्शन में तो हमारे पास प्लस 3 भी है, दोनों साइड क्या कर दो, एड प्लस 3 ऑन बोथ साइड्स। एफ ऑफ एक्स बन जाएगा 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, यहाँ प्लस 3 ऐड किया, इस साइड भी ऐड किया, तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 3, 3 आ गया फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। अब देखो, अगर फंक्शन ग्रेटर देन 0 आ रहा है या किसी भी वैल्यू से बड़ा आ रहा है तो मिनिमम वैल्यू हो जाती है। अगर बड़ा आ रहा है तो मिनिमम वैल्यू, छोटा आता तो मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज किस पे कंटेन करेगी, जब ये वैल्यू जो हमने ली है वो इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, ये इज इक्वल टू 0 आ जाएगी, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/2। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन अटेन्स एट 1/2, दैट इज यहां 1/2 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 3 आ गई, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, ये तो पूरे ही खत्म हो गया, प्लस 3 रह गया तो इज इक्वल टू 3 आ गया। और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं है क्योंकि इसमें कोई फंक्शन लेस देन 0 नहीं है। ग्रेटर देन में क्या होगा, फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा, लेस देन में क्या देगा, फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। सेकेंड पार्ट करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2। आप इसको ओपन करके देखना, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो 3x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, दैट इज 2 इंटू 3x इंटू 2 माइनस 2, सिंप्लीफाई करके यही आएगा। तो जो स्क्वायर है, हमने ऐसा क्यों लिखा, इसको स्क्वायर बनाने के लिए, एंड वी नो दैट अगर स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है लेकिन फंक्शन में क्या है माइनस 2, तो दोनों साइड क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड्स, फंक्शन बिकम्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो ये अगर इसमें माइनस 2 लगा दे फिर तो ये फंक्शन ही बन जाता है, 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, तो मिनिमम वैल्यू देगा ये क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कितनी हो जाएगी, जो हमने ये लिया था 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रख दो, इज इक्वल टू 0 रखेंगे या हम ये कह सकते हैं 3x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रख दो तो स्क्वायर तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वैसे भी जब आप 11th क्लास में थे, आप इनइक्वालिटी वाला 11th क्लास का चैप्टर 6 पढ़कर आए होंगे, तो जो हम उसमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसमें इज इक्वल टू लेकर ही हम x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 2/3, मिनिमम वैल्यू देगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट माइनस 2/3 इस पॉइंट पर, जो ये क्रिटिकल पॉइंट आया इस पर चेक करेंगे, इसकी वैल्यू को फंक्शन में पुट करेंगे, वी गेट द आंसर माइनस 2। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है ही नहीं क्योंकि ये लेस देन 0 आ ही नहीं रहा, लेस देन 0 या लेस देन नहीं आ रहा तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। थर्ड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 10। अब देखो, ये जो स्क्वायर वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, लेकिन हमें तो अपना फंक्शन बनाना है, फंक्शन बनाना है। अब जरा ध्यान से देखना, सिंस x माइनस 1 इज होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, लेकिन फंक्शन में चलो 10 तो ऐड कर देंगे दोनों साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये माइनस साइन आ जाता है, अगर माइनस साइन आ जाता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, जो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है वो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, है ना,
पढ़ा था चैप्टर 6 में लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ 11th क्लास, अगर माइनस साइन आ रहा है तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ये लेस देन का साइन आ रहा है तो ये क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा फंक्शन की। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन को जीरो रखेंगे, एक्स इज इक्वल टू वन आ गया, तो मैक्सिमम वैल्यू जो वन आई है वो उसको फंक्शन में पुट करेंगे, वी गेट द आंसर 10। एफ ऑफ एक्स डज नॉट हैव अ मिनिमम वैल्यू, अब इसमें मिनिमम वैल्यू नहीं है। फोर्थ पार्ट देखो, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन है। फंक्शन जो ये फंक्शन जी है, नीदर हैज अ मैक्सिमम वैल्यू नॉर अ मिनिमम वैल्यू, इसकी ना तो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना ही मिनिमम वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ माइनस की वैल्यू पुट कर दी हूँ, माइनस की वैल्यू पुट करती हूँ तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू पुट करती हूँ तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसमें ना तो कोई भी फंक्शन मतलब लेस देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, ना कोई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ना तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा ना ही ये मिनिमम वैल्यू देगा। क्वेश्चन नंबर टू कहता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय दिस। इनकी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है, ये उनसे थोड़े अलग क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड के अंदर है एक्स प्लस टू माइनस वन। हमें पता है जो मोड होता है वो हमेशा क्या करता है, वैल्यू को पॉजिटिव करता है। मोड के अंदर अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो ये उसको पॉजिटिव बना देता है, और अगर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव ही रहने देता है। तो अगर मोड के अंदर वैल्यू है एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देयरफॉर, अब कुछ बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि रियल नंबर्स होते क्या है। 11th क्लास के चैप्टर नंबर 5th में जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर था, जिसमें हम आयोटा लगाते थे, उन नंबर्स को छोड़ के, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के बाकी जितने नंबर्स होते हैं सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो अगर रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू लेंगे ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देगा, लेकिन फंक्शन तो ये है, तो यानी हमें बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट वन ऑन बोथ साइड्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू मोड के अंदर माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर मिनिमम वैल्यू। अब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है तो ये क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इज अटेन्ड व्हेन, मिनिमम वैल्यू कब देगा, जब एक्स प्लस टू को हम इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस टू। तो एफ ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये तो हमें पता लग गया यहाँ से कि मिनिमम वैल्यू एक्स इक्वल टू माइनस टू पर आएगी, लेकिन कितनी आएगी वो फंक्शन में पुट करके पता लगता है। तो इसके अंदर पुट करेंगे कितनी आ गई, माइनस वन, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कोई है ही नहीं, एफ ऑफ एक्स डज नॉट हैव अ मैक्सिमम वैल्यू। सेकेंड पार्ट, जी एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड एक्स प्लस वन प्लस थ्री। अब हमें पता है जो ये मोड है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, बट मोड के आगे नेगेटिव साइन लग गया तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, ये लेस देन जीरो आ गया। जैसे ही लेस देन जीरो आया या किसी भी वैल्यू से लेस आता है तो वो हमें क्या देता है, मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो पहले हमें इसको जी एक्स बनाना पड़ेगा, क्या करेंगे दोनों साइड थ्री एड कर देंगे, तो हमारे पास ये जी एक्स बन गया। जो भी हमें फंक्शन में गिवन होता है, एफ एक्स हो, जी एक्स हो, एच एक्स हो, आई एक्स हो, कुछ भी हो, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इज अटेन्ड, मैक्सिमम वैल्यू कब बनेगी, जो ये फंक्शन होता है एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। ये तो बिल्कुल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना कि एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो वन को साइड ले जाएंगे, माइनस का हो गया तो इसलिए एक्स की वैल्यू माइनस वन आ गई। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ वन, तो इसकी वैल्यू जी ऑफ वन पे मैक्सिमम वैल्यू कब बनेगी, माइनस वन पे, सॉरी, क्योंकि एक्स की वैल्यू माइनस वन आई है तो इसमें माइनस वन पुट करेंगे, वी गेट द आंसर थ्री। और जी एक्स की कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू तो बन ही नहीं रहा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, एच एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स प्लस फाइव। वी नो दैट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सेकेंड चैप्टर है उसमें प्रिंसिपल वैल्यूज आती है, नहीं तो प्लस वन में भी हम पढ़कर आ चुके हैं प्रिंसिपल वैल्यूज साइन की और कॉस की, इन सब की एक टेबल बना होता है प्रिंसिपल वैल्यूज का। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमें पता है जो साइन की वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक लाई करती है, माइनस वन टू वन लाई करती है। वी नो दैट जो भी साइन का फंक्शन होता है कहां से कहां लाई करता है, माइनस वन से वन के बीच में लाई करता है। माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू साइन टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, लेकिन हमें क्या चाहिए, साइन टू एक्स प्लस फाइव चाहिए, प्लस फाइव चाहिए। तो माइनस वन प्लस फाइव, देखो यहां भी प्लस फाइव ऐड कर देंगे, यहां भी प्लस फाइव, यहां भी प्लस फाइव, माइनस वन प्लस फाइव इज लेस देन इक्वल टू साइन टू एक्स प्लस फाइव इज लेस देन इक्वल टू वन प्लस फाइव। माइनस वन प्लस फाइव कितना हो गया, फोर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर का, तो फोर इज लेस देन इक्वल टू साइन टू एक्स प्लस फाइव, ये तो फंक्शन ही बन गया इज लेस देन इक्वल टू एक्स।
हेंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच ऑफ एक्स इज 4, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि जो ये फंक्शन है वो इससे बड़ा है और इससे ये छोटा है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी एच एक्स की 4 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी एच एक्स की 6। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ साइन 4x + 3। वी नो दैट साइन की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन 4x + 1। अब क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें, 3 ऐड करना पड़ेगा, -1 + 3 इज लेस देन इक्वल टू साइन 4x + 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 + 3। माइनस प्लस माइनस तो 3 - 1 = 2 हो गया, ±, ग्रेटर साइन किसका 3 का लगाएंगे, इज लेस देन इक्वल टू साइन 4x + 3 इज लेस देन इक्वल टू 4। तो इसकी भी मिनिमम वैल्यू भी होगी 2 और मैक्सिमम वैल्यू भी होगी 4। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, अ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स बिलोंग्स टू -1। ध्यान से समझना, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स बिलोंग्स टू -1। इसने इंटरवल दे दिया, इंटरवल पर इंटरवल दे दिया, तो अगर x की वैल्यू मैं -1 पुट करूं तो एच एक्स क्या बन जाएगा, 0। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो फंक्शन क्या बन गया, 2 बन गया। अब अगर इनके बीच की वैल्यू पुट करूं तो इससे क्या पता लगता है हमें, 0 बन रहा है। अगर सारे की सारी ये ग्रेटर देन 0 होता कि हमें कोई ये बड़ी वैल्यू दे देता तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो जाता, इंक्रीजिंग नहीं, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे देता। लेकिन इस केस में जब इसने पर्टिकुलर एक हमें इंटरवल दे दिया, ओपन इंटरवल, और इसमें ऐसे फंक्शन के लिए, इसके लिए हमारे पास जो ये एच एक्स है, ना तो ये मैक्सिमम होगा ना ही ये मिनिमम होगा इन दिस इंटरवल -1, 1 के लिए। क्लियर? सिर्फ आपको ये नॉलेज के लिए पढ़ने हैं, आता तो एक या दो नंबर में क्वेश्चन आता है, अदरवाइज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आगे यूज हो सकते हैं, इसलिए ये करने जरूरी भी है, ऐसा नहीं है कि आप स्किप कर दोगे इनको। क्वेश्चन नंबर 3 बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। हमें क्या प्रूव करना है, जो भी हमें ये 3 पार्ट्स गिवन है इसके क्वेश्चन नंबर 4 के, इनका प्रूव करना है कि ना तो इनका मैक्सिमम है और ना ही मिनिमा है, ना ये मैक्सिमम वैल्यू देते हैं ना ये मिनिमम वैल्यू देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला इसका एफ डैश एक्स, ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर एक्स। फिर क्या करते हैं, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो ई रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देन e raise to power x is equal to 0 हो गया। लेकिन e raise to power x कभी भी 0 होता ही नहीं, बट the exponential function can never assume 0 for any value of x। हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बट the exponential function can never assume 0, किसी भी x की वैल्यू के लिए ये 0 हो ही नहीं सकता। therefore there does not exist, यहाँ कोई भी ऐसा कोई कांस्टेंट c जो रियल नंबर में से आता है एग्जिस्ट नहीं करेगा, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। नहीं आई ना बात समझ, यहां तक आ गया कि एक्सपोनेंट की x की कोई भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन यहां 0 हो ही नहीं सकता। बट हमने एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखा, ये तो हम अपना मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, कोई भी नंबर क्या ले लिया, सी, सी इज एनी कॉन्स्टेंट, जो किस में से लेनी है, रियल नंबर में से लेनी है, कि रियल नंबर में से कोई भी आप पॉइंट ले लो, उसको हमने सी नाम दे दिया, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा किसके लिए, सच दैट अगर मैं यहाँ एक्स के प्लेस पे वो नंबर रख दूं जिससे इस एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हैंस एफ ऑफ एक्स डज नॉट हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमा, इसलिए इसका कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं है। सेकेंड, जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1/x, सिंस लॉग एक्स इज डिफाइंड एज अ पॉजिटिव नंबर, लॉग एक्स हमेशा किसके लिए डिफाइन होता है, पॉजिटिव नंबर्स x के लिए, और पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा फॉर एनी x, x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। देयरफॉर अगर वैल्यू 0 आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो हमारे पास कोई भी एग्जिस्ट ऐसा नंबर नहीं करेगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट सी, कोई कॉन्स्टेंट सी जो रियल नंबर में से आ रहा है, सच दैट अगर मैं इसके डेरिवेटिव में पुट करूं जी डैश सी
वो जीरो बना दे, तो ये इसका भी कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होगा। ये दोनों केसेस हम पहले कर चुके हैं कि लॉग वाला फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंट वाला फंक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू देता ही नहीं है, और इज इक्वल टू जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव तो इसका जीरो होगा ही नहीं किसी भी वैल्यू के लिए। थर्ड पार्ट एच एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखना थर्ड पार्ट, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं एच डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का 3x² प्लस x² का 2x प्लस x का 1 और 1 का 0। अब क्या करना है, एच डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करना है, इट मीन्स इस वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करना है, 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपको वो मेथड आता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। क्या करते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड में, कोई भी वेरिएबल या तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये सॉल्व होगा नहीं, सॉरी कि फैक्टर निकाल लो इसके, है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, लेकिन फैक्टर इसके निकलेंगे नहीं। क्यों नहीं निकलेंगे, क्योंकि इसमें आयोटा आएगा। मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ, एक मिनट। थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो इसमें क्या आ गया मेरे पास, a की वैल्यू, ये जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1। तो डिस्क्रिमिनेंट रूल क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, यही होती है। तो माइनस बी इट मीन्स माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर माइनस 4 ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वेयर 4 माइनस 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाय 6, यही आएगी ना, इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 8 डिवाइडेड बाय 6। जब भी हमारे पास रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाती है तो हम उसको किससे डिनोट करते हैं, आयोटा से। आयोटा क्या होता है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर रूट माइनस वन, क्या होता है, अंडर रूट माइनस वन। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 8 और आयोटा डिवाइडेड बाय 6, पहले नहीं चल रहा अच्छे से, डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 8 के रूट 8 के फैक्टर करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, 2 1 जा 2। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो पेयर में आ जाता है उसको ब्रैकेट से बाहर लिख, रूट से बाहर लिख लेते हैं, और जिसके पेयर नहीं आते वो रूट में रह जाता है, डिवाइडेड बाय 6। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 2 2 कॉमन आ गया, माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कॉमन आ गया, रूट 2, सारे ऐसे हो गए, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3, तो यही वैल्यू आ रही है ना। सॉल्व करके दिखा दिया मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट में वैल्यू, अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए उसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो ये वैल्यू आई है, क्या ये रियल नंबर में बिलोंग करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि इसमें आयोटा आ रहा है और आयोटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करेगी, तो ये रियल नंबर में बिलोंग करेगी ही नहीं वैल्यू। देयर डज नॉट एग्जिस्ट सी, कोई ऐसा कॉन्स्टेंट सी नहीं मिलेगा जो रियल नंबर में से आ रहा है, जिसके लिए इसका डेरिवेटिव जीरो के इक्वल हो जाए। देयर फोर हेंस h of x does not have maxima or minima, clear हुआ, easy था, इतना मुश्किल भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये तो इजी है, आपको पहले भी निकालना बताया हुआ है एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं। फंक्शन जो इसमें से डेरिवेटिव करने के बाद वैल्यूज आती है वो तो पुट करनी ही करनी है, साथ में जो ये इंटरवल गिवन होता है ये भी पुट करके देखना होता है। तो इसके तो छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू कॉमा टू,
एफ डैश एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला क्या आ जाएगा इसका 3x square, put f dash x is equal to 0, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं 3x square is equal to 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0, क्योंकि 3 इसके नीचे जाएगा 0 by something 0, x square is equal to 0, तो x भी 0। अब इस x की 0 जो ये क्रिटिकल वैल्यूज आती है वो इस फंक्शन में पुट करते हैं, 0 तो पुट करेंगे ही करेंगे, साथ में माइनस 2 और 2 भी पुट करेंगे, तो f of 0 is equal to 2, f of 0 is equal to 0, जब f of minus 2 put किया, minus 8 आ गया, जब function के अंदर 2 put किया, तो value 8 आ गई। Absolute maximum value, अब देख लो सबसे maximum value, सबसे ज़्यादा value कौन सी आ रही है, ना तो 0 है, ना minus 8 है, 8 maximum है इन तीनों में, तो maximum, absolute maximum value is 8, किस पर आ रही है, कौन से point पर आ रही है, at x is equal to 2 के लिए, और minimum value, absolute minimum value is minus 8, क्योंकि negative वाली 0 से भी छोटी होती है, and absolute minimum value is minus 8 at x is equal to minus 2, easy था ये तो। second part देखते हैं इसका, f of x is equal to sin x plus cos x, x belongs to 0 comma pi, first derivative निकाला f dash x is equal to cos x minus sin x, sin x का cos x का minus sin x derivative, फिर first derivative को 0 के equal put करेंगे तो cos x minus sin x is equal to 0, sin x right side पे जाएगा positive हो गया, cos x minus sin cos x is equal to sin x, या लिख लो sin x is equal to cos x, sin x यही रखा, cos x को इसके divide में लेकर आगे तो यहाँ तो 1 रह गया, sin x by cos x is equal to 1, जो बोल रही हूँ उस पे ध्यान दिया करो, sin x by cos x is equal to 1, sin x by cos x क्या होता है, tangent x is equal to 1, अब tangent की value 1 कहाँ होती है, pi by 4 पे, that is 45 degree, x is equal to pi by 4, x is equal to pi by 4 आ गया, अब जो ये function में value put करनी है, कौन कौन सी put करनी है, pi by 4 भी put करेंगे, 0 भी put करेंगे और pi भी put करेंगे, जब pi by 4 put किया तो sin pi by 4 plus cos pi by 4, sin pi by 4, sin 45 degree 1 by root 2, cos 45 degree 1 by root 2, 1 by root 2 plus 1 by root 2, 2 by root 2, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, root 2 into root 2, 2 को क्या लिख सकते हैं, root 2 multiply root 2 और divided by root 2, 1 root 2 से 1 root 2 cancel out हो गया तो क्या रह गया ऊपर, 1 root 2 रह गया, जब 0 value put की, sin 0 plus cos 0, sin 0, 0, cos 0, 1, तो 0 plus 1, 1 आ गया, pi पे value put की, sin pi plus cos pi, sin pi की value 0, cos pi की value minus 1, plus minus minus, sin कितना आ गया, minus 1, अब आप ये कहोगे फिर से, अब बार बार 11th class करे जा रहे हो, हमने कर ली, लेकिन भाई ये सारी वैल्यूज आपको वही सिखाई जाती हैं कैसे निकालते हैं, तो थर्ड चैप्टर तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो आप शायद कुछ बच्चे स्किप करके आ चुके हैं, देयरफॉर एब्सोल्यूट वैल्यू इज रूट टू, सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू रूट टू होती है, अब आप कहोगे हमें कैसे पता लगेगा रूट की वैल्यू, रूट टू की वैल्यू बड़ी है वन से, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपको स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करना चाहिए, अब कुछ बच्चे कहेंगे 2 का स्क्वेयर रूट कैसे फाइंड आउट करें, डिवीजन मेथड आता है जो 8th क्लास में सिखाया जाता है, नहीं आता तो 8th क्लास की प्लेलिस्ट पड़ी है उसमें देख लेना, कौन से चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में है आई थिंक, हाँ थर्ड चैप्टर में, तो डिवीजन मेथड वैसे भी रूट टू और रूट थ्री की वैल्यू तो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, रूट टू की वैल्यू होती है 1.414, रूट टू की वैल्यू 1.414, रूट टू की वैल्यू कितनी होती है 1.414 और रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है, रूट टू की वैल्यू 1.414 और रूट थ्री की वैल्यू 1.732 और रूट फोर, रूट फोर तो 2 ही होता है भाई, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो इनकी वैल्यू याद रखा करो, तो रूट टू 1.414 इज ग्रेटर देन 1, तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज रूट टू, रूट टू पर मैक्सिमम वैल्यू देगा कब, जब एक्स की वैल्यू क्या पुट की पाई बाय 4 और मिनिमम वैल्यू किस पर देगा माइनस 1, जब क्या पुट किया एक्स की वैल्यू पाई पुट की। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू माइनस 2 कॉमा 9 बाय 2, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x का 4 माइनस 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का किया वो 2x हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 4 माइनस एक्स, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, अब x की वैल्यू 4 पुट करनी है, माइनस 2 पुट करनी है, 9 बाय 2 पुट करनी है, इसमें तो हम इजिली पुट कर लेते हैं और वैल्यूज आ जाएंगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है कौन सी आ रही है 8 आ रही है, तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी व्हेन x इज इक्वल टू 4 पर, एट x इज इक्वल टू 4, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी ये माइनस 10 व्हेन एट x इज इक्वल टू माइनस 2 पर, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकल गया।
फोर्थ पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस थ्री। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे टू आगे आ जाएगा एक्स माइनस वन, फिर एक्स का किया वन और वन का किया जीरो और थ्री का किया वो तो कॉन्स्टेंट है इसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है तो वो जीरो हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट किया टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, टू जीरो बाय समथिंग जीरो हो गया, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो एक्स इज इक्वल टू वन। अब एक्स की वैल्यू वन पुट करके देखनी है और एक्स की वैल्यू क्या पुट करके देखनी है, वेट मैं इसका इंटरवल देख लेती हूँ। हाँ, और एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, माइनस थ्री कॉमा वन, माइनस थ्री और वन भी पुट करना है, माइनस थ्री और वन, तो वन तो ऑलरेडी आ रहा है, वन तो वैसे भी पुट करना था, माइनस थ्री और पुट करके देख लेते हैं। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 19 आ रही है, किस पे आ रही है, माइनस थ्री पे, और ये थ्री मिनिमम आ रही है, किस पे आ रही है, वन पे आ रही है। जो कम वैल्यू होती है वो मिनिमम, जो ज्यादा वैल्यू होती है वो मैक्सिमम। बस ये जो हम पॉइंट्स निकालते हैं ये जो क्वेश्चन में गिवन होते हैं, इंटरवल गिवन होता है तो उस पे चेक करते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन, सिक्स क्वेश्चन बाद में करवाती हूँ, एक थर्ड रहता है और एक सिक्स रहता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है, मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है, किसके लिए, 3x रेस्ट टू पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 इस फंक्शन के लिए ऑन द इंटरवल 0, 3। बिल्कुल वैसे ही है, क्या करेंगे, इसको कोई फंक्शन मान लो, एफ डैश एक्स मान लो, जी डैश एक्स मान लो, एच डैश एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, उसमें से x की वैल्यूज निकालेंगे, x की वैल्यू आने के बाद उन सारी x की वैल्यूज को और 0, 3 जो ये इंटरवल में वैल्यूज गिवन होती है इन सबको फंक्शन में पुट करके देखेंगे, जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, उस पॉइंट पे चेक कर लेंगे किस पे लार्जेस्ट वैल्यू आ रही है, और जो सबसे कम होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इसको हमने लेट कर लिया क्योंकि फंक्शन में, क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, एच ऑफ एक्स है, क्या है, तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन एफ डैश एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, 3x^4 का 3x² नहीं 4x क्यूब ही तो होगा, 4 आगे आएगा, एक पावर कम होगी, तो 4 × 3 = 12 माइनस 24x² देख लेना भाई कैसे डेरिवेटिव आया, इसमें से 12 कॉमन ले लिया, ये रह गया, इसके फैक्टर कर दिए, फैक्टर करने के बाद कैसे करेंगे, अब आप ये मत सोचो करो कि हमें तो सिर्फ पास होना है, चलो भाई अगली क्लास में चले गए। मैथ्स में जो भी हम अब तक पढ़ के आए हैं सारा का सारा कहीं ना कहीं यूज होता ही है, ठीक है, ये बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है कि रट्टे मारे चलो काम चल गया, इसमें सारी पिछली वैल्यूज यूज होनी ही होनी है, पिछले कॉन्सेप्ट्स जरूर यूज होते हैं। तो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को f'x को जीरो के इक्वल पुट किया, कौन कौन सी वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक तो 2 और एक्स माइनस, या तो एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो हो सकता है या x² प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो हो सकता है। अब x² प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो हो नहीं सकता फॉर विच देयर आर नो रियल रूट्स, क्योंकि इसमें रियल रूट्स नहीं आएंगे, इसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। क्यों आएंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स, देखो x² प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, तो x² इज इक्वल टू माइनस 2, ध्यान से सुनना, x² प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो तो x² इज इक्वल टू माइनस 2, जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, अब माइनस 2 ऑलरेडी था उसके ऊपर रूट लग गया, तो इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ √2 क्योंकि माइनस में है, है ना, तो रियल रूट्स आ ही नहीं रहा, रियल रूट्स नहीं आ रहा तो छोड़ो इसको, वैल्यू को नहीं आ रहा तो छोड़ दो, क्यों छोड़ दो, अब आपको क्या, हमें क्या गिवन है कि रियल वैल्यू ही निकालो, कॉम्प्लेक्स वैल्यू ना निकालो, अरे भाई इंटरवल तो गिवन है ना, इंटरवल गिवन है हमें क्या, 0, 3, तो ये तो रियल वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, 0, 3 के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात ही नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे नहीं, इसलिए x² प्लस 2 इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस, तो सिर्फ क्या लेंगे, x की सिर्फ एक ही वैल्यू लेंगे, दैट इज 2, एक तो 2 लेंगे और एक 0 लेंगे, एक 3 लेंगे, तीन वैल्यूज लेंगे, इसको फंक्शन में पुट करेंगे, सबसे ज्यादा वैल्यू 25 आ रही है, एक -39 आ रहा है, एक 25 और एक 16, तो सबसे ज्यादा वैल्यू 25 आ रही है, किस पे आ रही है, 0 पे, तो एट x इज इक्वल टू 0, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू कहाँ आ रही है, -39, किस पे आ रही है, 2 पे, तो ये क्या हो गया, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -39 एट x इज इक्वल टू 2। अगर किसी बच्चे को ये भी पता नहीं लगता कि मिनिमम आ कैसे रही है, ये नहीं कि सारा क्वेश्चन तो समझ आ रहा है कि यहां से कैसी आ रही है, कि ये वाली मिनिमम है, कि पूरा क्वेश्चन आता है ये नहीं पता लगता कि मिनिमम कौन सी और मैक्सिमम कौन सी है, कि नेगेटिव वाली कैसे होती है, पॉजिटिव वाली मैक्सिमम कैसे होती है, या -39 तो बड़ा होता 16 से, फिर ये क्यों नहीं ली,
है ना। तो कमेंट करना जरूर, कोई भी डाउट आता है छोटे से छोटा। आप तो शर्माते हो भाई कि हमने पूछ लिया तो पता नहीं क्या आ जाएगा। अपने कंसेप्ट क्लियर किया करो, दुनिया से क्या लेना, दुनिया तो बोलती रहती है, कुछ ना कुछ तो बोलेगी। अच्छा करो तब भी बोलेगी, बुरा करो तब भी बोलेगी। चलिए ज़्यादा ज्ञान की बातें हो गई, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।